आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। लाखों रुपए दे रखे हैं आपको। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। अगर तो एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, इसका जीवंत उदाहरण आज हमें इस क्षेत्र के अंदर भी दिखाई देता है, जहां पर ये एडी ब्लॉक का जो है, यहां पर जो दो शख्स खड़े हुए हैं इनके मकान के आसपास जो अवैध निर्माण का मामला है उसके लेकर ये पिछले काफ़ी समय से यहां के निगम पार्षद के यहाँ उनके दफ्तर के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है और क्या पूरा मसला। हाँ मैडम, आपका नाम? सर मेरा नाम नेहा है, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ 8109 बी शालीमार बाग। ये हमारे ऊपर से 6 जुलाई से इन्होंने अवैध निर्माण चालू किया, हमारे ऊपर वाले नेबर्स ने, 8109C वालों ने। इन लोगों ने आते ही DDA की जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं वो सारी तोड़ दी। हम लोग कहीं 3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, माई मदर हैज़ जस्ट एक्सपायर्ड इन मे, उसके लिए हम कहीं गए हुए थे। 3 दिन में उन्होंने 3 लेंटर आगे पीछे सारा छाप दिया, पूरा उन्होंने कवर कर लिया। उसके बाद जैसे ही हम आते हैं हम लोगों ने कंप्लेंट की कटारिया जी के ऑफिस में, ऑनलाइन पोर्टल पे, पुलिस के पास कंप्लेंट की, जोन में कंप्लेंट की, जनता दरबार में कंप्लेंट की। तब से हम 90 दिन हो गए हैं सर, कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया, बल्कि इन्होंने ये लिख के भेज दिया आगे कि 8109 भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, जबकि हमारे घर पे 22 साल से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। उसके बाद से हम 6 जनता दरबार भी जा चुके हैं सर, वहाँ पे इन्होंने 6 सितंबर 2021 को एक फेक डिमोलिशन प्लान की थी, उसमें 2 ईंटें तोड़ गए हैं, वो 1 लेंटर की ज़रा सी, उस पर कहते हैं कि सारा हमने तोड़ दिया है। उसके बाद हमने जाके इनको प्रूफ दिए कि कुछ नहीं टूटा है वहाँ पर। तब से ये लोग, हम लोग 6 जनता दरबार जा चुके हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। पिछले जनता दरबार में हम जैसे ही ये अपना ये लेके पहुँचे थे, हमने कुछ बोला भी नहीं था, वो लोग सारी पैनल, पूरा पैनल उठ के 15 मिनट के लिए चला गया। DC सर है विक्रम सिंह मलिक, उन्होंने बोला कि अभी तेरे को SHO से ठीक करवाता हूँ, मेरे ब्रदर को बोला उन्होंने। उसके बाद से सर हम लोग खड़े हैं, 10वां दिन हो गया आज, हम यहाँ पे फूड का वो करते हैं, भंडारा लगाते हैं यहाँ पे, हम लोग अपने लिए कॉमन इंसान है सर, हम लोग अपने लिए इंसाफ लेने के लिए खड़े हैं, आप प्लीज़ हमें हमारी मदद। कुल मिलाकर आपको भाई जितनी भी शिकायतें की हैं आपने, तो आपको कोई राहत नहीं मिली? कोई राहत नहीं है सर, जैसे मेरी सिस्टर ने बताया 3 महीने से अवैध निर्माण चल रहा है। एक सर्विस क्लास गरीब इंसान, अपने मिडिल क्लास इंसान यही सोचता है अपने घर पर सुकून की 2 रोटी खा के सो सके, हम अपने घर पर ही नहीं रह पा रहे हैं। आपको मैं घर लेके अभी चलूँगा, पूरे घर पर पानी बह रहा है, पूरे घर पे तालाब बन चुका है, पूरे घर पे फंगस है। डॉक्टर ने साफ बोल दिया है, आई एम लिविंग विद माई सीनियर सिटीजन फादर, डॉक्टर ने बोल दिया अगर आप उधर रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, Corona 3 आपको मारेगा, नहीं मारेगा बट ये घर आपको जरूर मार देगा। मेरी आप लोगों से विनती यही है, प्लीज़ इलीगल निर्माण जो 3 कमरे हुए हैं उनमें अभी तक निगम MCD ने सिर्फ 1 कमरे पे कुछ खाना पूर्ति करी है, 2 कमरे बिल्कुल वैसे के वैसे रखे हुए हैं। अभी उन्होंने नेक्स्ट डेट हमें 4 या 6 अक्टूबर दी है, जिसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप प्लीज़ उन पर प्रेशर बनाएगी, 4 या 6 अक्टूबर को 3 कमरे पूरे तरीके से ईंट बाय ईंट डिमोलिश कर दिए जाएँ, ताकि मैं अपने घर को रिनोवेट करूँ और दिवाली तक अपने घर पर दोबारा रह सकूँ। तो यानी कि ये कुल मिला के जो पूरा मामला है वो अवैध निर्माण का नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं घटनास्थल पर की क्या स्थिति है और क्या पूरा मंजर है। लोगों का कहना भी है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो अवैध निर्माण चल रहा है, वो इनके साथ समय समय पर बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैडम क्या क्या आपको सर, 6 जुलाई से ये लोग रहने आए हैं हमारे घर के ऊपर, तब से ये लोगों ने अपना पूरी DDA की वॉल्स तोड़ के अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर दी थी। हम लोगों ने इनकी कंप्लेंट लगाई पुलिस में, MCD में, हर जगह। तब से ये लोग 8 जुलाई को अपने साथ एक ग्रुप में 10 लोग लेके आए थे, उन लोगों ने आगे हमें धमकाया कि आप लोग कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हमें जो करना है हम वो करेंगे। उसके बाद 11 जुलाई 2021 को हम पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, हमारी गाड़ी पर स्टोनिंग की, हम लोग सीधा थाने गए वहाँ पे, और कहते हैं कि तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। उसके बाद हम थाने गए 11 जुलाई को, इन्होंने हमारी FIR दी की पुलिस ने। उसके बाद 48 घंटे थाने में बैठने के बाद, शालीमार बाग थाने में बैठने के बाद, DCP ऑफिस से कुछ इनको नोटिफिकेशन आता है, फिर उन्होंने FIR की और उसके ऊपर भी क्रॉस FIR कर दी ताकि उनको बचा सके क्रिमिनल्स को। और बार बार मेरे ब्रदर को धमकी देते हैं कि रात को अंदर डालता हूँ अभी जेल में। उसके बाद से मैडम FIR चल रही है मेरी, मजिस्ट्रेट के सामने
स्टेटमेंट हुई 14 तारीख को, मेडिकल हो गया, मेडिकल में पुष्टि हुई ब्रूजेस की, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने आईओ सर ने कहा था, सुखबीर सिंह जी हैं शालीमार बाग थाना में, उन्होंने कहा कि वो उसी दिन अरेस्ट होंगे, अरेस्ट नहीं होते उसके बाद मेरा फोन ब्लॉक कर देते हैं। आईओ SHO शेर सिंह, ACP स्वदेश सर, DCP उषा रखनानी, सब ने मेरा कॉल ब्लॉक कर रखा है, सारे प्रूफ होते हुए उनके पास, और उन्हें हमें कोई मतलब नहीं है। मैं हर जगह जाके चिट्ठी देके आती रहती हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दो, उन्हें अरेस्ट कर लो, उन्हें ये बता दो ATR क्या है, एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट क्या है। 3 महीने से सर मैं थाने के चक्कर लगा रही हूँ, MCD को के चक्कर लगा रही हूँ, जो इन्होंने अवैध निर्माण की है, 7 मर्डर अटैम्प्ट हो चुके हैं सर। इन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है सर, कोई कुछ नहीं कर पाता, ना कोई पड़ोसी, ना कोई पुलिस, पुलिस आती है सर, पुलिस तो इनके घर की जैसे कैफे कॉफी डे चल रहा है सर वैसे आती है। पूरा छज्जा गिर गया उस रूम का सर मेरे, वहाँ पे पूरी छत गिर गई है, ये इन्होंने सर एक एक स्विच पे करंट, इतनी सीलन आ गई है सर, पूरा ब्लैक फंगस लग गया। डॉक्टर ने कहा दिस हाउस इज नॉट लिवेबल अंटिल वी डू सम रेनोवेशन। तो कुल मिलाकर जो पूरा मामला सामने आ रहा है, ये बहुत सारी एंगल्स पूरे मामले में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हम MCD में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी जो पीड़ित लोग हैं उनका साथ नहीं दिया। तमाम शिकायतों के बावजूद भी अभी तक इस परिवार को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।